ब्रिटेन सरकार ने चाइनीज कंपनी हुआवे के 5G मार्केट में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक नया प्रस्ताव रखा है। ब्रिटेन चाहता है कि 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित सामग्री के आदान प्रदान के लिए एक नया संगठन बनाया जाए, जिसका नाम होगा D10, यानी कि डेमोक्रेसीज 10। इस संगठन में विश्व के 10 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होंगे। ब्रिटेन ने ये प्रस्ताव फिलहाल अमेरिका को भेजा है, जिसके मुताबिक ये कदम सुरक्षा कारणों से चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत जरूरी होंगे। चाइना पर पहले ही कोई भी देश विश्वास नहीं करता था, और अब जब से वुहान वायरस महामारी सामने आई है, अब तो सभी देश चाइना से बहुत नाराज हैं। ये सभी देश हर प्रकार से चाइना पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, फिर वो चाहे बात 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित सामग्री की हो या फिर अन्य किसी व्यापार की। अमेरिका ने पहले ही हुआवे को जासूसी करने के कारणों से अपने देश में बैन किया हुआ था, और उसने विश्व के बाकी सभी देशों को भी चेतावनी दी थी। चाइना को उस समय भी बड़ा झटका लगा था, और आज फिर से वही स्थिति है। इस प्रस्ताव के मुताबिक D10 में शामिल होने वाले 10 देश होंगे UK, USA, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया। इनमें से अधिकतर देश पहले से ही वुहान वायरस की वजह से काफी नाराज हैं, और ये माना जा रहा है कि ये सभी देश चाइना को सबक सिखाने के लिए जरूर एक साथ आएंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर ये प्रस्ताव भारत के पास आता है तो भारत इस पर क्या फैसला लेगा। भारत ने पहले भी अमेरिका की चेतावनी के बावजूद हुआवे को 5G ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण है भारत के टेलीकॉम सेक्टर की खस्ता हालत। 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित सामग्री बनाने वाली मुख्य रूप से 3 बड़ी कंपनियां हैं, यूरोप की 2, नोकिया और एरिक्सन, और तीसरी चाइना की हुआवे। इन सब में हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी बाकी दोनों कंपनियों से 35-40% सस्ती है। अगर D10 जैसे संगठन को मजबूत बनाना है तो फिर नोकिया और एरिक्सन को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित सामग्री तैयार करनी होगी, ताकि वो यूरोप के मुकाबले ज्यादा कम दाम पर पड़े, तभी ये D10 जैसा समूह सफल हो पाएगा। ब्रिटेन के इस प्रस्ताव के मुताबिक ये D10 संगठन 5G के अलावा और भी क्षेत्रों में चाइना पर निर्भरता कम करने का काम करेगा। आने वाले समय में वुहान वायरस से निपटने के बाद पूरा विश्व भरपाई के लिए चाइना से बदला तो जरूर लेगा, और ये उसी कड़ी में पहला कदम है। पिछले कुछ समय में भारत और चाइना के बीच में भी तनाव बढ़ा है, और चाइना ने तो अपने सैनिक भारी संख्या में सीमा पर भी उतार दिए हैं। मजबूरन भारत को भी अपने हथियार और सैनिक चाइना से लगती LAC पर उतारने पड़े हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। लगता है चाइना को डोकलाम याद नहीं, वरना वुहान वायरस फैलाने के बाद मुंह छुपाने की बजाय वो सभी पड़ोसी देशों को तंग नहीं करता। समय आ गया है कि भारत को भी अब आक्रामक नीति अपनाते हुए हुआवे को 5G ट्रायल से बैन कर देना चाहिए, वरना ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा समझौता होगा। आपको क्या लगता है कि 5G को लेकर चाइना पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।